के बारे में एक दिशा देना, योजना देना, पैसा देना। लेकिन जिस तरह से बजट बना है उसी तरह से नीति आयोग काम करता है। बात जो आपने है, जहाँ बीजेपी का राज्य है, बीजेपी का स्टेट है, वहाँ पैसा देना है, वहाँ योजनाएं बनाना है। अब इसलिए तो स्टालिन साहब ने या और भी मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री या हिमाचल के मुख्यमंत्री ने बहिष्कार किया। ममता जी चली गई, ममता जी को बोलने नहीं दिया, ममता जी को अपनी बात रखने नहीं दी। पश्चिम बंगाल जैसी एक बड़ी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह से अपमानित करता, उनका माइक बंद करना, ये लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। हमारे माइक बंद किए जाते हैं, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने एक राज्य के मुख्यमंत्री को बोलने से रोकना, वो अपनी बात बोल रही है। बहुत से मुद्दे हैं राज्यों के, GST का परतावा है और भी है, केंद्र ने मदद करनी चाहिए। केंद्र सरकार अगर कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश और बिहार को भर भर के देती है तो यह अधिकार सभी राज्यों का है। ये पैसा केंद्र सरकार का नहीं है, मोदी जी के गुजरात से नहीं आता है या अमित शाह जी के गुजरात से नहीं आता है पैसा, अब जो बांट रहे हो, ये देश की जनता का पैसा है। वो टैक्स कलेक्शन है, वो GST है। क्या मिला महाराष्ट्र को? मुख्यमंत्री गए वहाँ, गाड़ी पर हाथ घुमा कर आ गए, मिला क्या महाराष्ट्र को? तो ममता जी का जो एक मुख्यमंत्री का अपमान हुआ है, ये ठीक नहीं है, इतने में कहूँगा। ठीक है, नीतीश कुमार ने क्या किया मालूम नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के प्रतिनिधि के तौर पर उनके केंद्रीय मंत्री वहां मैंने देखा है। नीतीश कुमार जी